कई बार हम लोग बढ़ते वजन को लेके एकदम से परेशान हो जाते हैं ऑल ऑफ़ द सडन लगता है यार एकदम से बैली फैट आने लग गया मेरी डाइट तो हेल्दी थी ठीक है हम खाना भी इतना ज़्यादा नहीं खाते फिर भी वजन बढ़ता जा रहा है हेलो एवरी वन वेलकम टू उपासना की दुनिया कैसे आप सब उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं सबकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है तो आज हम बात करेंगे फैट के बारे में वेट लूज ठीक है वेट लूज एक बहुत डिफरेंट प्रोसेस है कई बार क्या होता है कि हमारी मसल्स वेट गेन कर लेती है उसकी वजह से भी आपका वेट 60 के हो सकता है 65 फाइव हो सकता है बट आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर टोन में है प्रॉपर शेप में है तो आज मैं ये जो मिथ है ना इसको ब्रेक करूंगी क्योंकि जनरली लोगों को लगता है कि कम खाने से वजन कम होता है जी नहीं कम खाने से या ज्यादा खाने से वजन का कोई लेना देना नहीं है वो आपके मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो आप वो कहते हैं ना लोहे भी चबा लो वो भी डाइजेस्ट हो जाएंगे और अगर पोअर है तो आप इतना सा भी खाओ वो भी विश की तरह काम करेगा और फैट को वहां पे डिपोजिट करने में हेल्प करेगा आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूं आपको एक ऐसी ड्रिंक जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके फैट को बर्न करने की प्रोसेस को बहुत फास्ट करेगी क्योंकि जनरली आपने बहुत लोगों को सुना होगा सात दिन में फ्लैट वैली सात दिन में फैट बर्न करे सात दिन में फैट खत्म करें नहीं आप कम से कम एक महीना लीजिए आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा जब एक महीने में उसके बाद आप देखिएगा कि आपका जो एक्सेसिव फैट है वो अपने आप डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा चाहे वो बॉडी के किसी भी हिस्से में है सो so, जो आज की रेमेडी है आपको इसे कंटिन्यू वन मंथ तक फॉलो करना है उसके बाद फिर आप अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग आगे कंटिन्यू करिए डेली मॉर्निंग आपको जो है ब्रेकफास्ट में जैसे आप चाय लेते हो उस समय आपको इस ड्रिंक को लेना है कोई नीड नहीं है एम स्टमक लेने की उस समय आप ड्रिंक लेंगे धीरे धीरे करके वो सारा दिन आपके मेटाबॉलिज्म पे काम करेगा और जिन लोगों को भूख लगना बंद हो गई है उसे भी ये बूस्ट करना स्टार्ट करेगा और कई बार ना मैंने भी वीडियोस में ये टाइटल यूज़ किए हैं कि सेवन डेज में उसका मतलब ये है कि जो बिल्कुल इनिशियल फेज में जो लोग हैं ठीक है वो सेवन डेज में भी अपने बैली को फ्लैट करते हैं लेकिन ऑब्वियसली है अगर आपके बैली फैट को आने में चार पाँच साल लगे हैं तो वो कम होने में भी वक्त लेंगे लास्ट मंथ एक पैकेज लॉन्च किया है आप डाइटिशियन को कंसल्ट करते हो आप तरह तरह के डाइट्स लेते हो ठीक है अपने आप को भूखा मारते हो टेस्ट ख़त्म कर देते हो लेकिन फिर भी वजन कम नहीं होता तो हमने एक ऐसा वेट लूज प्लान लॉन्च किया था जिसकी कॉस्टिंग भी बहुत नॉमिनल थी मतलब सिक्स मंथ की सिर्फ ट्वेंटी थाउजेंड कॉस्टिंग थी जिसमें आपको पूरे सिक्स मंथ की हम मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके फैट को बहुत फास्ट बर्न करेंगे अलॉन्ग विद सिक्स मंथ आपको वीकली वीकली टेन टेन डेज के हम कस्टमाइज डाइट प्लान देंगे आप अपना रूटीन बताओगे उसके अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज करेंगे और आप अपनी बॉडी में चेंजेस देखना कि आपको क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है और मैं चैलेंज करती हूँ कि छः महीने जब आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे ना आपकी बॉडी एक डिफरेंट लेवल पे मतलब टोन अप हो जाएगी और आप बॉडी को शेप ले लोगे और बॉडी प्रॉपर शेप लेना स्टार्ट कर देगी और यार सबसे सिंपल बात है हम ह्यूमंस का ना माइंडसेट होता है हम हमेशा कम पे क्लिक करते हैं कम इन द सेंस कि अगर कोई बोलेगा ना सात दिन में हो जाएगा तो हम उसको पहले ही प्रेफरेंस देंगे अगर हम बोलेंगे तीन महीने में तो यार हम बोलेंगे छोड़ यार उसने तो सात दिन में बताया था तो दिस इज द ओनली रीजन कि कई बार हम भी सात दिन बताते हैं कि वहाँ पर आपकी बिगनिंग जो एक स्टेट है ठीक है वो आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी और उसके बाद आप धीरे धीरे प्रोग्रेस करोगे तो सबसे पहले हमें लेना है एक पैन पैन में ऐड करेंगे हम जितना ये एक स्टील का गिलास होता है इतना पानी ठीक है पानी जो है अब हमने इसमें ऐड कर लिया अब इसके बाद जो है हम इसमें ऐड करेंगे तेज पत्ता ये मैंने एक लीफ लिया ठीक है इसके बाद मैंने ये दूसरा पत्ता लिया इसके बाद मैंने ये लगभग तीसरा पत्ता लिया तीन पत्ते मैं इसमें ऐड करूँगी ठीक है तेज़ पत्ते के इसको मैं अच्छे से हिला दूँगी इसके बाद मुझे क्या करना है मुझे मैंने आपको क्या बताया कि हमें मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना है ठीक है तो उसमें जो है सौंफ बहुत अच्छा काम करती है तो मैं लगभग आधा चम्मच इसमें लूँगी सौंफ जो कि मैं इसमें करूँगी ऐड ठीक है और सौंफ जो है इट एक्ट एज अ नेचुरल डाय और डायूरेटिक है तो डेफिनेटली वो बाथरूम के थ्रू यानी यूरिन को जब पास करेगी तो फैट को बर्न करने में हेल्प करेगी उसके बाद लगभग मुझे इतना टुकड़ा अदरक का चाहिए इसका छिलका नहीं निकालना है और इसको छोटे छोटे पीसीज में करके हम इसमें डालेंगे अब अदरक क्या है अदरक आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहाँ लोग बोलते हैं कि आप अदरक का पानी पियो ठीक है वो फ़ैट को बर्न करेगा बैली को फ्लैट करेगा बटक्स फैट को ख़त्म करेगा ठीक है तो धीरे धीरे जो फैट बर्नर का, का काम करता है अदरक क्योंकि ये अग्नि को प्रदीप्त करता है इसके जो गुण हैं वो तीक्ष्ण है तो ये फायर को बूस्ट करेगा मेटाबोलिज्म इम्प्रूव होगा ऑटोमेटिकली फैट बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है ये मैंने अच्छे से कर दिया मिक्स अब जो इस रेमेडी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है सफ़ेद काली मिर्च ठीक है जनरली हम काली काली मिर्च तो यूज़ करते हैं ये सफ़ेद काली मिर्च है ठीक है इसके मुझे लेने हैं लगभग चार दाने ये दो दाने मैंने ऐड करे वन टू थ्री और ये फोर दैट्स एट जब मैंने इसमें ये डाल लिया और इसको धीरे धीरे से मुझे हिलाना है और जैसे अभी मैंने आंच तेज थी अब मुझे गैस को करना है सिम और मैं इसे बॉयल होने दूंगी अच्छे से लगभग पाँच मिनट तक पाँच मिनट तक जब ये बॉयल होगा तो जो तेज पत्ता है अदरक है सौंफ है इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपने आप से पानी के साथ मिक्स हो जाएंगी पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और डेली हमें ब्रेकफास्ट में इस ड्रिंक को लेना है अब मैंने इसको खाली पेट क्यों मना किया इस ड्रिंक को उसका रीज़न ये है कि कुछ लोग जो हैं जब वो खाली पेट अदरक का सेवन करते हैं तो उनके पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है उनका एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो होता है और वो उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं तो आप इसे कुछ भी बोल सकते हो फैट कटेड ड्रिंक या टी अब आप जब भी ब्रेकफास्ट करें उसके बाद आपको इसे सिप सिप करके पीना है मतलब ये इस तरह से बॉइल्ड होनी चाहिए इतनी गर्म आपको दिख रहा है कि इसमें से पूरी भाफ निकल रही है और इसमें से आप जैसे चाय पीते हो ना बिल्कुल एक एक सिप सिप करके पीना है और लगभग पांच मिनट लगेंगे इसको पूरा फिनिश करने में धीरे धीरे ये बॉडी में एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करेगा मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा जट रग्नी पे काम करेगा हमारे शरीर में तेरह प्रकार की अग्नियाँ हैं ठीक है जट रग्नि जो हमारी पाचन प्रणाली यानी कि डाइजेस्टिव फायर डाइजेस्टिव सिस्टम पे वर्क करती है और जिस दिन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो गया ना उस दिन आप देखना कि आपकी बॉडी बिल्कुल फिट हो जाएगी होता क्या था यार पुराने टाइम में ना आपने देखा है कि लोग दस दस रोटी एक एक टाइम पे खाते थे यार उनके शरीर फिर भी बहुत तंदुरुस्त होते थे बहुत हेल्दी होते थे क्योंकि उनका डाइजेशन बहुत अच्छा होता था आज के टाइम में क्या हो गया कि मील स्किप कर करके हमने मतलब सुबह खा लिया पूरा दिन नहीं खाया शाम को खा लिया उससे मेटाबॉलिज्म को इतना स्लो कर दिया कि हमारी बॉडी में फैट डिपोज़िट होना स्टार्ट हो गया और फैट डिपोज़िट होने की वजह से हमारी बॉडी जो है वो अजीब से ढंग से उसकी शेप होना स्टार्ट हो गई किसी के ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होगी किसी के बटक्स पे फैट आ गया किसी की थाए है भी होगी किसी के स्टमक पे फ़ैट आ गया तो ये ड्रिंक उस सारे फैट को डिजोल्व करने में हेल्प करेगी तो बस अब आपको क्या करना है वन मंथ इसका सेवन करना है और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करना है और जो मैंने बताया कि सिक्स मंथ हमारी वेट लॉस जो जर्नी है आप उसे एक बार ज्वाइन करके देखिए ठीक है सिक्स मंथ का जो है ट्वेंटी थाउजेंड हमारी कॉस्ट है इंक्लूडिंग मेडिसिन आइडियली हमारी वन मंथ की कॉस्ट फोर थाउजेंड रहती है जिसमें वेट लॉस की प्रॉपर मेडिसिन और डाइट चार्ट रहता है बट हमने पेशेंट का देख के हमने इसे बहुत ही कम कॉस्टिंग पे जो है लॉन्च किया है तो आप लोग जो है उसे एनरोल कर सकते हो उसका हिस्सा बन सकते हो और इसके साथ अगर आपको कोई भी समस्या है तो ये जो नंबर है आप इस पर कभी भी कॉल करिए सुबह ग्यारह बजे से ले शाम को छः बजे तक आप कभी भी कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी बीमारी से निजात पा सकते हैं चाहे माइग्रेन डिप्रेशन स्ट्रेस एंजाइटी और यार पंचकर्मा के माध्यम से ना आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई जरूर करवाएं एक ना एक बार देखिए थर्टी फोर्टी थाउजेंड आपको एक बार स्पेंड करना पड़ेगा लेकिन एक साल के लिए आप फिट हो जाएंगे आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी आप बीमारियों से इतनी अच्छी तरह से निजात पा सकते हो और वेट लूज के लिए पंचकर्मा बहुत अच्छा काम कर सकता है तो उसके भी हमारे पोटली हो गया उद्वर्तना हो गया ये सारी मसाज रहती है आप उसका भी हिस्सा बन सकते हो आप लोगों ने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है आगे भी इसी तरह से प्यार देते रहें उपासना की दुनिया को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया